अरे हो गया नेगेटिव, इसका काम पड़ता है बार बार। चलिए अब आ जाइए बच्चों, ये तो हम लोगों ने ZNS ऊपर वाला लिख लिया, ठीक है ना। अब मैं आप लोग को यहाँ पर कुछ दूसरा बताना चाहता हूँ। जैसे मैं आप लोग को एक, हेलो आवाज आ रही है? आ रहा है सर। चलिए अगर मैं एक बात करूं यहाँ पर कि अगर कभी भी हेलो आवाज जा रही है ना? यस सर। वेट वेट हाँ, तो अगर मैं यहाँ पर एक यहाँ पर बात कर रहा हूँ ZNS ऊपर वाला, कोई दिक्कत नहीं ना जी? अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, तो कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि यहाँ पर दिया हुआ है H2 गैस, ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है बच्चों H प्लस में Ag, ठीक, और ये हो गया हमारे पास CD2 प्लस aqueous, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो रहा है CdS में। बताओ ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है। बच्चों एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रोड है या सॉल्यूशन में? ऑक्सीडाइज हो रहा है। अरे मैं बोल रहा हूँ ये H2 इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड कभी गैस हो सकता है? एनोड है सर। अबे इलेक्ट्रोड कभी गैस हो सकता है? हो सर। मारे होगा रे, कभी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, सॉलिड होता है। हाँ, तो इसको हमें बच्चों, हाँ, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसके साथ प्लेटिनम लगा देंगे, ठीक है ना। कभी हाँ, भी कोई गैस गैस या लिक्विड दिया रहे ना बच्चों, तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंपल सा प्लेटिनम लगा देते हैं, जिस साइड में भी कभी जरूरत पड़े तो उसको हम लोग। एक मिनट रुकिए, तो कोई मीटिंग पे बैठा हुआ है क्या? सर सिर्फ और सिर्फ प्लेटिनम ही लगा सकते हैं, उसके अलावा कुछ? हाँ, कोई भी ये लगा सकते हो कैटलिस्ट, ठीक है ना, लेकिन नहीं, मेन प्लेटिनम को लिया जाता है, ठीक है ना। निकल मतलब ही ले सकते हो? हाँ ले सकते, लेकिन उतना ज्यादा बेटर काम नहीं करेगा, ठीक है ना, जितना प्लेटिनम काम करेगा, ठीक है। चलिए अभी आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट। तो ये जो होता है बच्चों, इसका मतलब होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, बात समझ आ रही है ना। अब चलिए तो ये ध्यान रखिए, बोलिए। तो फिर तो बताइए, हमें तो आप बहुत देर बाद एडमिट किए हमको, ऐसा नहीं है? अरे सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, वही चीज है, H2 गैस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, H प्लस में, यानी ये क्या हो गया बच्चों, ये एनोड है, और ये क्या हो गया हमारे पास, कैथोड है। हाँ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, लेफ्ट साइड में, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में हमेशा किसको लिखना है, एनोड को लिखना है जिसका ऑक्सीडेशन होता है, और राइट साइड में हमेशा किसको लिखना है, कैथोड। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अरे प्लेटिनम इसलिए बोले है क्योंकि गैस कभी भी इलेक्ट्रोड नहीं होता। रे मान लो इसके अंदर ये जो लोहा, मतलब ये जो मेटल का बना होता है, ये कभी गैस होता है? रे इसको हमें गैस अगर दिया हुआ है तो गैस के साथ प्लेटिनम लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना, वो उसको स्टेबल कर देता है, ठीक है। चलिए बच्चों ये तो हम यहां पे आयंस का जो एक्सचेंज होगा वो कैसे होगा, क्या बोले, यहाँ पे जो आयंस या फिर इलेक्ट्रॉन का जो भी एक्सचेंज होगा वो कैसे होगा? जैसे होता है, जैसे आपने पीछे पढ़ा तो वैसे इसमें होता है। यहाँ पर क्या करता है, H2 प्लस क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, पहले ब्रेक हो जाता है सिंगल में, बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पर दो भी लगा सकते हो, ठीक है, कुल बाबू का बोला जी। हेलो हेलो हेलो, बोलिए बच्चों। तो बस ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2H प्लस लिख सकते हो, नो डाउट, क्या है कि रिएक्शन बैलेंस भी तो होना चाहिए ना। यस सर। हाँ, हालांकि मैं अभी बताऊंगा, ये तो अभी हम लोग पहचानना सीख रहे हैं कि सेल को किस तरह से, गैल्वेनिक सेल को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम लोग बच्चों आएंगे मेन इसके रिएक्शन पे, चलो मैं आप लोग को इसका रिएक्शन बता देता हूँ, ठीक है, सभी लोग अच्छे से पढ़िएगा समझिएगा। सेल टू रिएक्शन,
सेल टू क्या चीज? अरे बोलो, रिएक्शन। हाँ, यहाँ पर देखिएगा सेल से रिएक्शन क्या होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि यहाँ पर मैं एनोड लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? एनोड। एनोड, अब बताओ एनोड पे क्या हो रहा है? H2 किस में चेंज हो रहा है? ऑक्सीडेशन। H2 गैस H2S+ में, S+ में चेंज हो रहा है। H 2H+ में चेंज हो रहा है, 2H+। ठीक है, बैलेंस हो जाएगा सर, आप समझ जाइए। कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा बताओ? दो इलेक्ट्रॉन। यस, कौन? गुड। अब मुझे बताओ कैथोड पे क्या हो रहा है? सर ये सीडी सीडी एक्सेप्ट कर लेगा वो दो इलेक्ट्रॉन और सीडी टू प्लस बना देगा। यस, सीडी एक्वस लिखू कि क्या लिखू? एक्वस। हाँ, प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स कन्वर्टेड इनटू सीडी टू प्लस, सीडी सॉरी सीधे सीडी में वाला। हाँ, तो बच्चों तो रुक जाइए सभी लोग। अब इसको मैं ऑक्सीडेशन हाफ लिखू कि रिडक्शन हाफ लिखू एनोड को? ऑक्सीडेशन हाफ। यस, ऑक्सीडेशन हाफ और ये हो गया हमारे पास रिडक्शन हाफ। रिडक्शन, आप देखो अब फाइनली हम लोग रिएक्शन देखना चाहते हैं, आखिर रिएक्शन दिखता कैसे है। इसको बोलते हैं नेट सेल रिएक्शन। ठीक है ना, नेट सेल रिएक्शन। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? सर H2+ CD2+ H2+ नहीं, H2 के बाद प्लस में सर। H2 के बाद प्लस H2G। और याद रखिएगा जहां पर जी लगे ना उसके जस्ट बगल में पीटी लगा दीजिए, ठीक है ना? गैस रहे वहां पर प्लेटिनम लगा दीजिए, ठीक है? इसको अब मैं ऐसे रुक जा, अच्छा नहीं बना कलर चेंज। हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको यहाँ पर ऐसे भी दे सकते हो। और अब बताओ प्लस करके क्या दोगे? प्लस तो सर CD2+ एक्वस में, एक्वस। और उसके बाद प्लस H2+ हो गया। अब रुक मत बोलो, धीरे धीरे। हाँ, अब सीडी भी लिख दूंगा ना। वेरी गुड। आप ध्यान रखिए, ये लिखते समय हमेशा ये और ये आपस में कटना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है ना? और ये आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास मेन रिएक्शन। सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो ये हो गया। कहने का मतलब हम लोग सेल को देखकर क्या रिएक्शन लिख सकते हैं? यस सर। तो सेल को देखकर हम लोग रिएक्शन आराम से लिख सकते हैं। तो जल्दी लिखिए, एक मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, इसका रिएक्शन लिखना है, ठीक है? मैं जो क्वेश्चन दूंगा अभी, चलिए। तो अब हम लोग यहां पर आते हैं बच्चों, समझिए। एक क्वेश्चन देता हूं आपको लिखना है, क्या चीज रिएक्शन लिखना है, आसान सा देता हूं। जेडन एस चेंज हो रहा है, जेडन टू प्लस एक्वस, इसका रिएक्शन लिखकर दिखाओ। तो नहीं, आप लोग बस बताते रहना, मैं लिखते रहूंगा, नहीं तो समय ज्यादा लग जाएगा। यस सर, चेंज कर देता हूं थोड़ा सा। हां, पति बोल रहे हैं सब्जी ले लो। चलिए यार बच्चों, ये जब भी लिख के देगा ना तो आपको ये जरूर लिख के देगा, सेल कभी भी लिख के देगा तो ये देगा, ठीक है ना? और याद रखिएगा बच्चों हमेशा कि चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, लिक्विड में और गैस में कभी भी कोई इलेक्ट्रोड नहीं होता है, ठीक है ना? हमेशा सॉलिड में होता है, तो ये आपको लिखना पड़ता है। चलिए इसका रिएक्शन बताइए, ये है क्या, ये क्या हो रहा है? ये एनोड है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यस, अरे कैथोड है। सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर लिखने के लिए एनोड, सभी लोग प्यार से अच्छे से बोलिएगा, बताइए यहाँ पर क्या लिखूं मैं, रिएक्शन कैसे लिखूं? जेडन जेडन एस एस कन्वर्ट हो रहा है प्लस एचजी जेडन टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। और बताइए एचजी कैथोड पे क्या लिखे?
Hg2+ Hg2+ aqueous. Yes, very good. Plus aqueous plus two electrons. सॉरी डोनेट कर रहा है Hg2+ इलेक्ट्रॉन. सर ये प्लस करेगा ना, ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है ना. हां तो ये क्या बोल रहा है, एचजी एस में सॉलिड फॉर्म में. हां सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में नहीं है, किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म. लिक्विड यही गलत कर देगा, तीन तीन नंबर का क्वेश्चन. प्लैटिनम लगा देंगे सर. हां बस इसके साथ यहां पर भी नहीं लगाएंगे, प्लैटिनम नीचे लगाएंगे. ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्सेल रिएक्शन गेम. हाँ यहाँ पर क्या सिर्फ गैस लगाते हैं प्लैटिनम भी, लिक्विड में लगाते हैं प्लैटिनम सिर्फ. हाँ दो ही जगह लगाते हैं, गैस में लिक्विड. अरे भाई पानी पानी होता है, गैस गैस होता है, कभी भी इलेक्ट्रोड थोड़ी ना उसका होता है, तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है. अब बताइए इसका रिएक्शन कैसे लिखोगे. Zn plus Hg2+ Hb2+. ये जब लिखते समय ये ध्यान रखिएगा कि दोनों बैलेंस होना चाहिए, एक्वस में बैलेंस हो जाएगा. हाँ और तो ये बना जाएगा Zn2+ Hg लिक्विड एक प्लैटिनम के साथ हो गया. और यहाँ पर बच्चों साथ में लगा देना प्लैटिनम वाला लिखेंगे, बस हो गया. इसमें कोई दिक्कत, कॉमा लगा दिए. हाँ तो कॉमा लगा दो, चाहे वो लगा दो, सिंबल लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें. चलिए अब दूसरा रिएक्शन क्या हुआ. सिंबल क्या लगाएंगे. अरे सिंबल कहने का मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक मिनट रुक जाओ, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है उसका मतलब वही होता है. चलिए आगे बढ़े. चलिए ये अगला रिएक्ट, मतलब अगला एग्जाम्पल है जो कि आप लोगों को बताना है. अच्छे से मैं बता रहा हूं, Ag जो चेंज हो रहा है आपके पास Ag+ एक्वस में, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला हम दे रहे हैं, देखते हैं आप लोग का. यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर Cu2+, सभी लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इतना रिएक्शन करो और इसके बाद मैं आज भेजूंगा डीपीपी, उसको भी बना लीजिएगा. CuS हो जाएगा ना. हाँ चलिए अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, ये तो पूरा रिएक्शन कंप्लीट है. हाँ 2Ag+ होना चाहिए ना. नहीं 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 Ag ही है. ठीक है नॉट आगे आज नहीं 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 होना चाहिए ना. हाँ अरे अब यहाँ देखो, नहीं नहीं यही तो कंफ्यूजन है जो तुम पूछ रहे हो, वही तो कंफ्यूजन कंफ्यूज किया हूं मैंने. यहाँ पर देखो ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब एनोड है, और ये क्या है, कैथोड है, कैथोड है, कैथोड है. ठीक है अब यहाँ पर ध्यान देना, पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा. यहाँ पर एनोड में लिख रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान देंगे, और आप लोग को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे चाहे कॉल पे बात कर सकते हो. ठीक है यहां पर देखिए मैं इसको लिखूंगा Ag, ठीक है ना, किसमें चेंज हो रहा है, Ag+ में. Ag+ में प्लस वन इलेक्ट्रॉन एक वर्स, अब प्लस वन इलेक्ट्रॉन ही डोनेट. अरे भाई Ag तो एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, बात समझ में आ रही है. वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल. हाँ अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं बच्चों कैथोड, ठीक है ना. कैथोड पे क्या हो रहा है, कॉपर रिडक्शन. हाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, प्लस इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया. या मैं चेक कर रहा था आप लोगों को, क्या देख रहा है. हाँ दो इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu कॉपर सॉलिड फॉर्म में. Cu See you in the solid form, sir. Yes, yes, बच्चों, yes, बच्चों. अब नेट सेल रिएक्शन लिखते समय आपकी परीक्षा ली जाएगी. नेट सेल रिएक्ट वक्त, मतलब लिखते वक्त. अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहाँ पर ये जो एनोड है और एक कैथोड, हमें लिखना है नेट सेल रिएक्शन. अंकित आपका जो डाउट हो, अंकित आपका डाउट यहाँ पर क्लियर होगा, यहाँ पर समझिए. yes, अब आप इसको ऐड करोगे तो ऐड होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ए और ए दोनों बराबर है क्या, नहीं है, नहीं है. नहीं.
यस वेरी गुड, नहीं है तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें टू से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात समझ में आई? नहीं करते ऐसा, छोड़ देते हैं। हाँ तो छोड़ दो, क्या जाता है मेरा, मेरे घर से तो नहीं जा रहा। अब आ जाओ यहाँ पर, यहाँ पर अब बच्चों जैसे आप करोगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, टू ए जी, टू ए जी, हाँ यानी यहाँ पर टू टू और ए टू में कन्वर्ट हो जाएगा, यही ना टू, हाँ तो यहाँ पर yes, और आप देखो ये दोनों कट जाएगा, yes, sir. हाँ तो टू हो जाएगा, आप प्लस टू प्लस यू टू प्लस, वाह अरे यू टू प्लस एक्वस एक्वस, और क्या लिखूं, टू ए जी प्लस सॉलिड में, हाँ और इन द एक्वस फॉर्म, अरे ये सॉलिड में होगा, रे एक्वस होगा ना, हाँ ये एक्वस होगा ना, कौन बोला प्लस है तो एक्वस फॉर्म में हो जाएगा ना, हाँ कॉपर इन द सॉलिड फॉर्म, कॉपर सॉलिड फॉर्म, वेरी सॉलिड फॉर्म, तो ये हो गया आपके पास नेट सेल रिएक्शन, तो लिखिए नोट कीजिए अच्छे से, यस सर ऑर्डर देने वाले हैं सर आप, म्यूट करो, चलिए हो गया सर, चलिए नेक्स्ट, अगला रिएक्शन आपके पास आता है, एक ज्यादा नहीं करेंगे नहीं तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप लोगों को फिर डीपीपी के फॉर्म में भी तो देना है ना, चलिए नेक्स्ट, आपके पास यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, एक क्वेश्चन दिया जा रहा है प्लैटिनम, ठीक है, आप लोग खाना खाए हो बच्चों, आयरन इस वाली है, नो सर, नहीं सर भूखे बैठे मैं, अरे इतना लेट तक कौन भूखे रहता है, जाओ पहले खाना खाओ, लेकिन उससे पहले क्लास करो, अभी आ जाओ यहाँ पर क्लास करते, आप लेट से क्लास कर रहे हैं, गलत बात है, अरे वो अब समझ रहे हो ना आजकल सामान उमान जिम्मेदारी बढ़ गई है ना, लॉकडाउन भी लग गया ना सर, मान लीजिए सर मैथ का क्लास शुरू होने वाला है, तो शुरू होने वाला, अभी तो तुम्हें 11 बजे का टाइम दिया था ना, 11 बजे का, हाँ तो खाना कहाँ खाएंगे सर, करते करते खा लेना, तो क्लास करते करते खा लो, इसमें क्या जाता है आजकल, तो सर थोड़ी देख रहे हैं, तो चलिए सर रिएक्शन खतरनाक दिए हैं इस बार, कुछ रिएक्शन खतरनाक नहीं होता है, सब मोह माया है, ये पढ़ाई लिखाई है, ठीक है ना, रिएक्शन से घबराना नहीं है, जब या हेलो आवाज आ रही है, yes, तो रिएक्शन से घबराना नहीं है, कोई बड़ी चीजें नहीं है, ठीक है ना, हाँ मोह माया नहीं है सर, हाँ तो बस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चों ये एक्वस दिया हुआ है इसलिए प्लेटिनम दे रखा है, ठीक है ना, आपको मतलब किससे है, सिर्फ इतना से है, फिर उसके बाद देखिए MnO4- किसमें कन्वर्ट हो रहा है, भाई सिंपल सी बात Mn2+, है Mn2+ बीच में सिंबल देना भूल गए हैं क्या, मैं नहीं देना भूला, क्वेश्चन है ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो कभी कभी अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो घबराना नहीं है, ठीक है, और इसके लिए आपको समझिएगा इलेक्ट्रोड देखो किस तरह से मतलब एक्वस में है ना, तो किस तरह से सॉलिड में चेंज करने की कोशिश किया है, यहाँ पर H प्लस और एक्वस प्लेटिनम दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब यही होता है कि एक्वस एक्वस में होने की वजह से इतना लगा दिया, ठीक है ना, यहाँ पर H प्लस से कुछ लेना देना नहीं, नहीं है, हाँ हालांकि ये आप एक मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर यहाँ पर H प्लस फिर क्यों दिया है, तो H प्लस का मतलब बच्चों यहाँ पर ये होता है रिएक्शन आपका किस मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में, चलिए अब हम लोग अभी बताओ कैथोड है कि एनोड है, सर ये कैथोड एफ ई वाला कैथोड हो जाएगा, एफ ई वाला नहीं एनोड होगा, एनोड हो जाएगा, एनोड होगा, एनोड है, एनोड ही तो बोल रहे थे, तो पहले कैथोड बोलता है फिर एनोड बोलता है, पहले कैथोड बोले तो उसके एनोड बोले, चलो ठीक है, ये माय बैड माय बैड, चलिए 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 चलो, और यहाँ पर हो गया, आप बात सुनिए, हाँ यस सर, एनोड पे क्या हो रहा है रिएक्शन बताओ,
एफ ई एफ ई टू प्लस किसमें कन्वर्ट हो रहा है एफ ई थ्री प्लस. अरे तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया कि दिया? दे दिया. ले रहा सर. यस यस वेरी गुड. ले रहा. रे 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 दे रहा है इलेक्ट्रॉन. दे ना रहा है तुमने 3 प्लस में जा रहा है. हां दे रहा है. वन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना. हां या हां अब आ जाओ यहां पर नीचे एम एन ओ 4 माइनस ठीक है ना. बताओ किसमें चेंज हो रहा है. एम एन 2 प्लस. एम एन 2 प्लस. तो बताओ अगर Mn plus 2 में चेंज हो रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन लिया होगा. कितना लिया होगा. ऑक्सीजन कहाँ गया. दिया होगा ना सर. लिया थोड़े ही होगा. दिया ना होगा. अबे दिया होगा तो कितना दिया होगा बताओ. सर पहले दो दिया होगा. दो दिया होगा ना. और कितना. अरे गधा सुनो पहले. अरे Mn पे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो. निकालो सर. ऑक्सीडेशन नंबर निकाला नहीं सिखाया. रे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला नहीं सीखा रे. यहाँ देखो MnO4 पे माइनस. तो यहाँ पर इसको x मान लेते हैं. प्लस माइनस 2 इनटू 4 बराबर माइनस 1. पढ़ाया नहीं गया है रे. यहाँ पर देखो तो ये कितना हो जाएगा बोलो. माइनस 1 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा. 7 प्लस 7 यानी ये हो गया हमारे पास प्लस 7. इतना भी मतलब मत बोलो रे. अब चलिए यहाँ पर प्लस 5 मतलब प्लस 7 से प्लस 2 में जा रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है. एक्सेप्ट कर रहा है कि डोनेट कर रहा है. मारेंगे ना. एक्सेप्ट कर रहा है. एक्सेप्ट कर रहा है तब तो प्लस 2 में जाएगा ना. अरे खाना नहीं खाया कार्य अभिषेक. नहीं. चलो यहाँ पर देखो लेकिन हमें इसका नेट सेल रिएक्शन लिखना है. क्या लिखना है. नेट सेल. माय बैड. तो बताओ इसमें क्या करना पड़ेगा. कितना से मल्टीप्लाई करना है. 5 से. यस 5 से करना. चार्ज को बैलेंस करना होता है हमारे पास तो 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे 5 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा ए भी 5 5 ए भी 2 प्लस और ए भी 5 हो जाएगा. ठीक है. बात समझ में आ रही है ना. क्या हो गया ये 5 में कन्वर्ट हो जाएगा तो 5 प्लस अरे कट जाएंगे और फाइनली रिएक्शन क्या हो जाएगा बताओ. 5 एफ ई 2 प्लस 5 एफ ई 2 प्लस 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 एक्वस में MnO4 माइनस गिब्स एक्वस में Fe3 प्लस Fe3 प्लस और प्लस Mn2 प्लस Mn2 प्लस एक्वस में. वाह वेरी गुड. अब मुझे बताओ वो क्या लिख लिए. कोई दिक्कत इसमें. नो सर. चलिए पे हाइड्रोजन का कोई यूज नहीं किए हैं. नहीं. अरे वो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है बस. बाकी कुछ नहीं. बच्चों आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में खासकर कंपटीशन में कि यहाँ पर नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन कितना का हुआ है. नेट एक्सचेंज नेट एक्सचेंज रिएक्शन क्या है. और इलेक्ट्रॉन कितना हुआ है. 5 हुआ है. 5 का हुआ है ना. 5 हाँ वेरी गुड. ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है. चलिए अगला रिएक्शन हम लोग लिखते हैं. जल्दी लिखे पहले. हो गया सर. यहाँ पे सॉलिड का कोई मीडियम नहीं रहा. क्या सॉलिड. हाँ तब एक्वस नहीं है. अरे वो लगा देना उसके साइड में पीटी लगा सकते हो. ठीक है ना. अब तो इतना लगा ही सकते हो ना. Mn2+ में पीटी लगा दे. बस इधर भी लगा दो. Mn2+ में पीटी लगा दो. यहाँ पर पीटी लगा दो और यहाँ पर पीटी लगा दो. ठीक है ना. जो इलेक्ट्रोड है. अब अच्छा एक बात बताओ आप लोग इलेक्ट्रोड पहचान सकते हो कि नहीं पहचान सकते हो. नहीं. अब बैल हो का रे. क्यों नहीं इलेक्ट्रोड पहचान सकते हो. सिंपल सी बात है.
पहचान सकते हैं सर। अबे ये Fe2+ + 3 में जा रहा है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, ऑक्सीडेशन हुआ। तो भाई यही तो आपका इलेक्ट्रोड हुआ ना। यस सर। अरे तुम यस सर, अब यहाँ पर तुम प्लेटिनम लगा देना। ये देखो शिवम, ये गलत बात है, लेकिन गलत बात है। खाया नहीं है खाना अभी तक। फिर खाना नहीं खाया। चलिए अब बढ़ते हम लोग, चलिए अगले स्लाइड की तरफ। हाँ अगले स्लाइड की तरफ। एक आपके पास, अब देखो हम लोग का और क्लास स्टार्ट होने वाला है। हाँ तो अभी सही 11:15 पे स्टार्ट होता है। अच्छा कोई बात नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए। अरे यार खाना नहीं खाया यार। अरे तो दूर थोड़ी ना। अरे आप लोग जब कहीं ऑफलाइन क्लास करते होंगे तब इतना घंटा आप लोग पढ़ते हैं, ये तो ऑनलाइन क्लास है। बैठे बैठे पानी पियो, समोसे खाओ, जो खाना है खाओ, बगल में ले लो, एक हाथ से खाते रहो दूसरे हाथ से लिखते रहो। चलिए सर अभी दुकान बंद है सर। अरे टाइम खत्म हो जाएगा, सुनो पहले। यहाँ पर अभी आप लोगों ने सेल को देखकर रिएक्शन लिखना सीखा है। क्या देखकर? सेल को देखकर। सेल देखकर हाँ रिएक्शन लिखना सीखा है। क्या रिएक्शन को देखकर सेल लिख सकते हो? काहे नहीं लिख सकते, लिखवाइए सर अंकित से। अभी मैं बताऊंगा, उसके बाद अंकित लिख के बताएगा रिएक्शन। पहले हाँ रिएक्शन टू सेल। अब ध्यान दीजिएगा, ए को समझ जाओगे तो दूसरा अपने आप बना लोगे। यहाँ पर समझ जाइए, अब सब समझ के समझ ही गए हुए हो। यहाँ पर देखिए पहला एग्जांपल। हेलो आवाज आ रही है? तो यहाँ पर पहली yes, यहाँ पर देखिए जैसे मैंने दे दिया 2Ag प्लस एक्वस और यहां पर दिया हुआ है H2G। हेलो आवाज आ रही है? जी यस सर। और yes, यहां ये जो कन्वर्ट हो रहा है H+, ये सारा का सारा भी मैंने बता दिया, पहले ही बता दिया है, ठीक है? वही सब पूछ रहा हूं। और बच्चों इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना? Ag ठीक है। अब चलिए ये सॉलिड में चला गया, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? अब बताओ सबसे पहले तो ये पहचानो यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो इसमें प्लस है, फ्री स्टेट में। सुनो पहले यहाँ पर सर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ यहाँ पर देखिए H2 फ्री स्टेट में, मतलब जीरो इस पे है चार्ज, और ये भी फ्री स्टेट में चला गया तो इस पे जीरो है। अब देखो यहाँ पर बच्चों Ag प्लस से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? जीरो में Ag का रिडक्शन हो जाएगा। क्या बोले? Ag का रिडक्शन हो जाएगा। हाँ ये देखो कैथोड हो जाएगा, Ag कैथोड हो जाएगा। क्या बोल रहा है? क्या कर रहा है? अरे अपने आप हो रहा है। हैंग कर रहा है। अरे नहीं 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 हैंग नहीं होता है। अरे ये हो रहा है शिवम सर, लिखिए ना, बहुत समय लगेगा इसमें। चलो 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 लिख ही देते हैं, सोचे थे डायग्राम बनाते हैं, कुछ नहीं होगा। चलो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ये प्लस से जीरो में, जीरो में हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, रिडक्शन प्लस प्लस चार्ज का घटना इज कॉल्ड रिडक्शन। अब यहाँ पर जीरो से प्लस में जा रहा है, ठीक है ना? तो बताओ यहाँ पर क्या चीज? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन पे एनोड होता है कि कैथोड होता है? और एनोड। ऑक्सीडेशन पे एनोड हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन पे हमारा एनोड हो जाएगा और इस पे कैथोड। अब चलो अभी आप लोगों ने लोन पढ़ा था, लोन तो नाम सुना ही है कि लोन में हमेशा लेफ्ट साइड में चला जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या लगेगा? एनोड या हाइड्रोजन। हाँ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कैसे लिख सकता हूँ? H2 गैस G और किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्लस H प्लस में एक्वस। मतलब वही 2H प्लस एक्वस। यस 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 गैस में G है। हाँ G में जा रहा है। डबल एरो, डबल एरो, डबल सॉल्ट ब्रिज। अरे उसको लैंग्वेज में बोलो रे, लैंग्वेज में बोलो। प्लस अब क्या? 2Ag प्लस, 2Ag प्लस, Ag प्लस, Ag प्लस एक्वस। Aqueous.
अरे वो बैलेंस करने के बाद आया था, अब आ जाओ। हाँ, हाँ, क्या कहते हैं स्ट्रेट लाइन जो भी, और एज इज सॉलिड, एज इन द सॉलिड फॉर्म, एज इज सॉलिड फॉर्म में चला गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत? क्या आपका सेल कंप्लीट दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, तो रहा लतिया देंगे, लतिया देंगे हम तुमको, पीटी नहीं लगा है, पीटी नहीं लगा है। हाँ वेरी गुड, अगर इसको छोड़ कर किया तो बस गया, कहानी खत्म, ये आपका बन गया सेल, ठीक है ना। अब चलिए दूसरा, दूसरा एच जी एस ओ फोर, और ये क्या हो गया हमारे पास एक्वस, और प्लस सी यू सॉलिड, और ये कन्वर्ट हो रहा है बच्चों टू एच जी, ठीक है ना। चाय बन गया, चाय बन गया यार, बैलेंस नहीं कर रहा कहां पर भाई, बैलेंस करके देता है वो, आपको रिएक्शन देगा तो बैलेंस करके देगा ना जी, क्या शिवम तुम भी, वो रिएक्शन बच्चा वाला से यहां पर आ जाइए, ऐसा नहीं है, डाउट डाउट होता है, कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी, बच्चा वाला नहीं कर सकते। हाँ अब आ जाओ यहाँ पर, यहाँ पर बच्चों किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, इसका बताओ एच जी का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है जी का, तुमने तुक्का मारा है कि रिडक्शन हो रहा है, मुझे बताओ एच जी में कितना चार्ज है सर, बता सकते हैं सर, रिडक्शन टू प्लस में होगा या वन प्लस में होगा, कुछ तो चार्ज होगा इसके पास, क्योंकि तुक्का मारा तभी तो बोला प्लस वन होगा चाहे प्लस टू का, अरे सिंपल सी बात है, कुछ तो चार्ज होगा ना सर, अबे कुछ तो चार्ज है, कॉपर का अगर सर कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसका रिडक्शन ही हो रहा होगा ना। हाँ तो तुक्का मारा कितना, ये भी कह सकते हैं, चार्ज कितना है अरे चार्ज कितना है सर, मरकरी को 1 या 2 पता नहीं क्या, अरे 1 या प्लस 2 मार मार के ठीक कर देंगे तुम लोग को, हमरे सुन यहां पर प्लस 2, अरे यहां पर सिंपल सी बात है, एसओ 4 पे माइनस 2 होता है, माइनस 2 रहता है तो इस पे प्लस 2 है, यस सर प्लस, हां हो जाएगा जी सर, और इस पे कितना हो गया यहां पर, यहां जी यहां पे माइनस 0, यानी ए हो गया कि ए एच से किस में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है एच जी 0 में, तो ये रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर इस बेचारा का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब एनोड की कैथोड, एनोड सिंपल सी बात है, एनोड हो गया, ठीक है, और एक कैथोड हो गया, तो अब मुझे बताओ इसका ये बताओ सेल बताओ, तो सर CU पे चला जाएगा, CU कन्वर्ट हो रहा है CU प्लस में एक्वस में सर, हां CU सॉलिड प्लस CU 2 प्लस, CU 2 प्लस एक्वस और डबल डबल वाला डबल एरो, अरे इसको सॉल्ट ब्रिज बोला करो, लैंग्वेज में बोला करो भाई, किसी का बेइज्जती मत करो, अरे अरे अंकित तुमको बोलूंगा या किसी को किसी बच्चा बोलूंगा, अरे ये आ रहा है लंबूदास छोटू दास, तो अब बताओ क्या बुरा नहीं लगेगा, तो सेल को भी तो बुरा लगेगा, इंडिया में कॉमन है सर, इंडिया में कॉमन है यही चलता है, चप कॉमन है इंडिया, मोटा बोलते कि नहीं बोलते हैं, हाँ यहाँ पे ऐसा नहीं, चलो यहाँ पर एच जी एसओ फोर सर, हाँ एच जी एसओ फोर क्या चीज, एक्वस या क्या, एक्वस, मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसको इस तरह से, तो क्या गलत है, HG2+ नहीं 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 गलत है ये, हम अब बोल सकते हैं, और HG लिक्विड में चेंज हो रहा है, क्या बताओ ये कंप्लीट है रिएक्शन कि नहीं, PT लगाएंगे HG के बगल में, PT होगा, PT लगाएंगे HG होगा ना, यस PT लगाएंगे, वेरी गुड, यस सर यस, चलिए आई एम प्राउड ऑफ माय सेल्फ, चलिए जल्दी लिखिए, और मैं एक HW दे देता हूं, इसके बाद क्लास खत्म कर देता हूं, क्योंकि आप लोग का अगला क्लास होगा, हो गया सर, सेंड कर दीजिएगा ना व्हाट्सएप पे HW HW से वो पे डाल दीजिएगा, ओके 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 ओके, सर यहां पे कैसे लिखेंगे HG2 प्लस, क्या यहां पे कैसे लिखेंगे क्या HG2 प्लस कैसे लिखे, हां ओए HG2 प्लस कैसे लिखेंगे, सिंपल सी बात है, यहां पर SO4 पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, x मान के सबका निकालो, तो ये सबको ना
सब भूल भाल गए हो, इतना मेहनत से पढ़ाया जाता है और सब भूल जाते हो, कैसे चलेगा? HG को X मान लो, सल्फर पे कितना चार्ज होता है? -2 और इस पे? अरे ये सल्फर पे -2 होता है रे। हाँ नहीं नहीं बाप रे नहीं 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 सर नहीं 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 वाह वाह लाल नहीं 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 सर हाँ अब आ जाओ यहाँ पर देखो रे बाय बाय मत लिख रे यहाँ पर 8 हो गया ठीक है ना यहाँ पर समझो और इजिकल टू 0 तो सिंपल सी बात कितना हो जाएगा रे एक सुधर जाएगा तो 8 + 6 - कितना आ जाएगा +2 ये देखो समझ गया यस सर गजब ये मैं गजब का ये सब बताना पड़ रहा है बताइए हम लोग का लेवल कितना गिर गया है ये लेवल गिर गया इसको लेवल गिर गया बोलते रे इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना कुल्हाड़ी पे पैर मारना ये भी बात कुल्हाड़ी पे पैर मारे पैर पे कुल्हाड़ी मारे एक ही बात है चलो बच्चों और अरे सुनो और एक बात काफी इम्पोर्टेंट सभी लोग अच्छे से ध्यान रखो अपना ख्याल अपने से रखो ठीक है ना आज की दुनिया में आप लोग आज की दुनिया में आप लोग घर में बैठे बैठे पैसा कमा सकते हो समझ रहे हो पूछो कैसे सर राजीव सर का असिस्टेंट बने नहीं 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 कोई राजीव सर का असिस्टेंट कुछ नहीं घर में बैठे बैठे पैसा कमाने का मतलब हो गया आप अपना सेहत का ध्यान रखो इससे बड़ा पैसा आज की दुनिया में कुछ भी नहीं है बाकी सब देख लो हॉस्पिटल में क्या हाल हो रहा है अब इसीलिए ध्यान रखिए ओके और हंसते रहिए खेलते रहिए मुस्कुराते रहिए खाते रहिए पीते रहिए ओके और देखते रहिए कपिल शर्मा शो सर अपने से रखना पड़ेगा नहीं 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 चलिए ठीक आज ये लेक्चर आज YouTube पे अपलोड हो जाएगा शेयर कर देना ठीक है क्वेश्चन है ग्रुप में भेज दे